दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट पर EMI पेमेंट कैसे करें। फ्लिपकार्ट पे लेटर में अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया था और उसका आपका EMI चल रहा है, तो उसका आप EMI कैसे पेमेंट कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट में कभी भी पे लेटर से EMI कराते हैं तो कैसे आप EMI जमा कर सकते हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं फ्लिपकार्ट पर पे लेटर EMI कैसे जमा करें। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, नीचे अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अभी आप देखिए, क्रेडिट ऑप्शन में आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल ड्यू टू इंटरनल पॉलिसी बता रहा है। अभी फ्लिपकार्ट का दोस्तों पे लेटर वाला फीचर जो है अभी यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ पॉलिसी के कारण दोस्तों इसे फ़िलहाल रोक दिया गया है। लेकिन अगर आपका प्रीमियम बाकी है, जो भी अमाउंट ड्यू है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका ड्यू डेट कब है, वो आपको देखने को मिलेगा। व्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके आप अपना ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि आप फ्लिपकार्ट पर EMI पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। अभी आप देखिए, पेमेंट गेटवे में आपको सीधा लेके जाएगा, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर UPI से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे UPI की मदद से पेमेंट करने वाला हूँ, तो हम सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं गूगल पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आपका अमाउंट होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पे के ऑप्शन पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। अभी देखिए, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो बैंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब पे के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप पे के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे UPI पिन मांगा जाएगा। तो जो भी आपका UPI पिन है वो आपको एंटर कर देना है। UPI पिन एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे, जो भी आपका पेमेंट होगा, जो भी आपका EMI अमाउंट होगा, वो आपका अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका प्रोसेस सक्सेस हो गया है और अमाउंट भी कट गया है। लेकिन यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है, योर पे लेटर अकाउंट हैज़ बीन पोज। तो इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल जो फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस है उसे रोक दिया गया है। KYC यहाँ पे बता रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। आप देखिए, नवंबर का जो पेमेंट था ड्यू, अभी ज़ीरो दिखा रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं एक मैसेज भी आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए, पेमेंट सक्सेसफुल, यू हैव रिसीव जो भी अमाउंट है फ्लिपकार्ट पे लेटर बिल। तो बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट परचेस किए हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज़ करके, और अभी उनको डाउट था मन में कि क्या जो अमाउंट है, प्रीमियम अमाउंट है, वो कहीं फंस तो नहीं जाएगा, मतलब कहने का कि वो पेंडिंग तो नहीं हो जाएगा या फील्ड तो नहीं हो जाएगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है दोस्तों। मैंने आपको लाइव दिखाया कि फ्लिपकार्ट का पे लेटर EMI कैसे आप जमा कर पाएंगे, और आप देखा कि सब कुछ ओके था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।